कि हम देखें कि ज़मीनी सतह पर आवाम को क्या सहूलियात मैसर है कोविड की जो ये वबाई मर्ज है इसके हवाले से। देखिए दो तीन मामले हैं जिन मामलों की से जो इनपुट्स हैं या जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उससे इसका तदारुक किया जा सकता है। जैसे वैक्सीन है तो यहाँ अगर मालूम हुआ कि वैक्सीन का अभी 10-15 दिन से वैक्सीनेशन नहीं हो रही है इस इलाके में, तो क्या टेस्टिंग हो रही है, क्या किट्स हैं, तो ये इसी अपने आप को एक्वेंट करने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या क्या इस वक्त मैसर है और किस बारे में हम मुतहरिक कर सकते हैं सरकार को कि ये कमियां हैं। आज देखिए मैंने ये बनाया था, ये इरादा किया था कि सबसे दूर दराज जो इलाका है जहाँ पर जो पी एच सी है उसका देखें कि वहाँ पर क्या सहूलियात है। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सेंटर एक इस इलाके में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोकरना यहाँ देखें, बस यही मकसद था। एक सेक्टर हमने किया कवर कि वहाँ पर डिजिटल एक्सरे का, मैंने कहा कि मैं अपने जो एमपी लैड फंड से उसमें से वहाँ डिजिटल एक्सरे लगाएंगे। जहाँ पर एम्बुलेंस की बात है तो मेरी नोटिस में ये आया है कि जो डीडीसी मेम्बरान है शायद उन मेम्बरान ने पहले ही वॉलंटियर किया है एक एम्बुलेंस वहाँ फराहम करने का, तो मैं उसके इंतजार में हूँ। अगर एम्बुलेंस फराहम नहीं की जाती है उसके बाद देखेंगे हम कैसे मोबिलाइज रिसोर्स करें। मामला है, मैं यहाँ खासकर देखने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मैनीफोल्ड एक सिस्टम बना हुआ है, मैनीफोल्ड ऑक्सीजन का सिस्टम बना हुआ है लेकिन फंक्शनल नहीं है, तो क्या दिक्कतें हैं, क्यों ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो वो करने के लिए ताकि उसको फाल बनाए, उसको फंक्शनल बनाए, मैंने ये जानने की कोशिश की कि हमारी तरफ से क्या मावनत हो सकती है, क्या क्या इकदाम मैं कर सकूँ जिससे ये फंक्शनल हो जाएगा और जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं तो उनको राहत मिले। तो एक ही यहाँ पर मसला नहीं है, इस जैसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर सेंटर पर बहुत सारे मसाइल हैं जो मेरी नोटिस में आ गए। पहली बात है ऑक्सीजन की, दूसरी है कि जिस एजेंसी ने यह कंस्ट्रक्ट किया आधा ही छोड़ दिया है, अभी नया एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है ब्लॉक एक लॉन्ड्री वगैरह का, मेरे ख्याल में वो पहले ही उसमें मशीन नसब की गई है, अभी कंप्लीट है ही नहीं, दीवारबंदी है ही नहीं, बहुत सारे मसले हैं। लेकिन इस वक्त हम फोकस हमारा सारा है कोविड के हवाले से। देखिए वैक्सीनेशन सबसे पहला है। आज तक क्या होता था, हम टीवी पर रेडियो पर लोगों से इल्तिमास करते थे कि वो कतराए नहीं, वो आ जाए वैक्सीनेशन। अब ये दिन आ गया कि वो लोग आ रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कोचिंग फॉर 11th 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स विद वैलीज टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड। विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर, कॉल ऑन 9622888333, 9469888333।